अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? अनदर डे अनदर व्लॉग के साथ आज हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और रात तो आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है, आल्टो पंचर हो गई थी। तो अब जो सामान है वो इसमें रखना है, इसको जल्दी से क्या कहते हैं अनबॉक्स करते हैं और इसमें सामान रखते हैं। भाई इसकी आधी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, सिर्फ पीछे से ही कपड़ा उतारा, तो इसको अनलॉक करके इसका ट्रंक खोलते हैं और सामान इसमें रखते हैं। कुछ इसका कॉस्मेटिक सामान पड़ा है, कोई पॉलिश वगैरह पड़ी है, कोई इस तरह गाड़ी का कपड़ा वगैरह पड़ा है इसमें एक्स्ट्रा। अच्छा यार, ये तकरीबन हफ्ता तो हो गया है बंद खड़े, चलो से इसको स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ये तो चलो स्टार्ट कर जाएगी, दूसरी को देखते हैं उसमें जो सामान पड़ा है रात का। तो बहुत चेक करो यार, सपनी भी वहीं पड़ी हुई है और सामान देखो हमारा उसको। ये सारा सामान पे चलो अब उसमें रखते हैं। गाड़ी तो इतनी गर्म है अंदर से, इतनी देर के बाद सामान यहाँ पे ले आ रखा है हमने, और अब बारी है इसके अंदर रखने की। इसके अंदर भी रख के अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा तो यार देखो, फिर सामान सेट हो गया, बाकी जो छोटा मोटा सामान होगा वो फिर उसी दिन सेट कर लेंगे, मसला नहीं है। सामान रख के दोबारा इसको पैक कर दिए, इसको जुम्मे वाले दिन दोबारा कपड़ा उठाएंगे, इसको साफ शाफ करेंगे, फिर निकलेंगे जुम्मे वाले दिन। खैर अभी का ये माहौल है। अच्छा यार, दो चार काम थे, फिर काम है घंटे घर वाली तरफ, चलो वहां जाते हैं। अच्छा यार, हमने क्या काम करने से पहले कुछ खाते चलें, तो हमारा तो फेवरेट स्वीट क्रीम ही है इस तरफ। अच्छा यार, ये रोड सीधा जा रही घंटा घर वाली तरफ, ये हमारे मुल्तान की सबसे बड़ी डेंकी है, ऊपर बारिश भी यही है मुल्तान की। ये मेन चौक है, वो क्लॉक टावर है मुल्तान का। ये हालात कुछ इस तरह के है, जो 50 वाली कॉपी है ये हमें मिली है 5600 की, और जो 20 वाली कॉपी है वो हमें मिली है 2500 की। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब 500 पर लिए 20 वाली कॉपी पे, और 50 वाली कॉपी पे 600 रुपए ऊपर लिए, और 50 वाली इतनी शॉर्ट है कि बड़ी मुश्किल से एक मिली है, बाकी पर 20 वाली मिली है। ये उन्होंने रेलवे स्टेशन से कोई पकड़ा है ट्रेन का डब्बा, इसमें कोई कैफे वगैरह बनाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने घर से रोड जा रहा है कैंट वाली तरफ, ये चौक फॉर अक्रॉस किया अभी हमने, इसके आगे नवे शहर आएगा, उसके बाद फिर कैंट जाके मिलते हैं। भूख लग रही है तो जा रहे हैं मासे बिरयानी वाली तरफ कैंट। अक्सर गाड़ियों की मॉडिफिकेशन लोग यहीं से करवाते हैं, कोई गाड़ी पेपर वगैरह करवानी हो या इस तरह करके। ये प्लाजा भी है, मालवा तो थोड़ा सा काम था वो हो गया। अब ये सामने ये मासे बिरयानी, इस तरफ से अभी खाने पीने वाले बैठे रा के, यार ये गाड़ी पार कर दी है, वो सामने मासे बिरयानी की ब्रांच है, साथ और भी खाने पीने वाले हैं, लेकिन ये ठीक है, इसकी बिरयानी अच्छी है। अरे
Later that same evening. यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप लोग सोचोगे ये इतनी रात को कहाँ से आ गया। तो खैर यार, इस वक्त टाइम हो रहा है 2 बज रही है, सुबह जुम्मा है, तो तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी में सामान रख रहे थे। खैर यार, रात के 2 बजे के मनाजिर कुछ इस तरह, आल्टो बाहर खड़ी हुई है और बाकी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं, उसमें सामान रखना है। आधा सामान जो पहले रखा था वो आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ सामान हमने रखा हुआ था, बाकी कुछ जो सामान अब रखना है वो रखते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो यार पैकिंग हो गई है, बस किसी तरह भी सामान अड़ाया हमने। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, कल जाके वहां निकालेंगे और देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। हमारे इलाके वाले महल की चाबियां, ये भी रखना जरूरी था। कोई इजाजत देते हैं वो सोए रेस्ट करे, क्योंकि सुबह उसने सफर करना है फिर। ओके बाय बाय बेब, आप सो जाओ, आपको सुबह मिलते हैं। इस पे दो दो कपड़े इसलिए चढ़ाए हुए हैं क्योंकि सर्दी लगती है इसको। तो गाइस सीन इस तरह का है कि 5 बज रही और अभी तक हम सोए नहीं है। खैर अब कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत नींद करते हैं और सुबह मिलते हैं आप।